विपक्षी गठबंधन इंडिया की आगामी बैठक मुंबई में होने वाली है। इसकी तारीख 31 अगस्त और 1 सितंबर होगी। इंडिया की पहली बैठक में पटना में 23 जून को हुई थी, जिसमें कुल 15 पार्टी गठबंधन में शामिल हुई। दूसरी बैठक बेंगलुरु में 17 और 18 जुलाई को हुई थी। इस बैठक में कुल 26 पार्टियां शामिल हुई। बेंगलुरु में ही विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया तय हुआ था। अब उम्मीद जताई जा रही है कि मुंबई में होने वाली बैठक में कुछ और पार्टियां शामिल हो सकती हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गठबंधन में नई पार्टियों के शामिल होने के संकेत दिए हैं। नीतीश कुमार ने कहा है कि मैं बैठक में जा रहा हूं, इसमें कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है। जो मैं चाहता हूं, मैं बस सभी को एकजुट करना चाहता हूं। मैं जा रहा हूं और कुछ और भी पार्टियां शामिल होंगी। मुंबई में जो बैठक होने वाली है, वो विपक्ष लगातार सवाल खड़ा कर रहा है सर। क्या खड़ा करेगा, हम तो जा ही रहे। आपको लेकर चिंता ज्यादा है कि अरे हमको कुछ नहीं चाहिए व्यक्तिगत, हम तो चाहते हैं सबको एकजुट करना। हम तो शुरू से ना बोल देते हैं, आप लोग को ही बोले, उसे कोई क्या बोलता उसे कोई मतलब नहीं। अब जा ही रहे हैं, उस दिन और भी इसको कई जगह का फाइनलाइज, कुछ और पार्टियां भी ज्वाइन कर रही हैं, तो सब मिल करके कौन कौन कहां कहां लड़ेगा, ये सब बात भी हम चाह रहे हैं कि जल्दी तय कर लें। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी बताया कि इंडिया गठबंधन की मुंबई बैठक में कुछ नई पार्टियों के शामिल होने की संभावना है। इस बैठक को लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन की अगली बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में होगी, जहां कुछ अहम फैसलों की घोषणा होने वाली है। मैं भी उस बैठक में हिस्सा लूंगा। गौरतलब है कि अंतिम बार बेंगलुरु की बैठक में 26 पार्टियों के नेता शामिल हुए, जिसमें कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और अन्य नेता शामिल थे। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, झारखंड के मुख्यमंत्री और जेएम के नेता हेमंत सोरेन, डीएम के नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और कई अन्य दल के नेता शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट।